हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसी पांच एप्लीकेशंस के बारे में जो कि आप सीधे एंड्रॉइड में अपने आईओएस में यूज कर सकते हैं। तो ये जो पांच एप्लीकेशंस है वो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये पांच एप्लीकेशंस आपकी रूटीन लाइफ में जरूर शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ये पांच एप्लीकेशंस आपके डेली वर्क को और ज्यादा आसानी से कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, आपके डेली वर्क को मैनेज करती हैं, कुछ एप्लीकेशंस आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट रखती हैं। तो देखते हैं ये पांच एप्लीकेशंस कौन सी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये पांच एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताने देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी एप्लीकेशंस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो 100% प्योरली आपके यूसेज को ध्यान में रख के बनाई गई है। ये किसी भी ऐप डेवलपर से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो किसी भी ऐप डेवलपर को ध्यान में नहीं रख के बनाई गई है, आपकी यूसेज को रख के बनाई गई है। प्योरली ये बिल्कुल आप लोगों के लिए है, मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे जो एप्लीकेशन आती है वो है टेक्स्ट फेरी। ये एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं एक टेक्स्ट को क्रिएट करना अपने कॉपी से, आपकी जो बुक है वहाँ से, तो ऐसे में जो है आपको पूरा पैराग्राफ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप उस इमेज से टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको टॉप राइट में कॉर्नर्स में मिलते हैं दो ऑप्शंस, कैमरा और गैलरी। तो यहाँ गैलरी पर टच करने पर आप जो है इनबिल्ट फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैमरा से आप ऑन द गो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं गैलरी को यूज़ करके एक एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा। इस एप्लीकेशन को गैलरी में जाके एक फ़ोटो में लोड करता हूँ, जिसे मैं आपको डेमो करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर लोडिंग इमेज, तो यहाँ पर जो है इमेज आ चुकी है। यहाँ मुझे एक ऑप्शन, यहाँ पर एक मैसेज आया है द इमेज इज़ बिट ब्लरी, क्योंकि जो ऐप जो मेरा डिवाइस है उसके जो कैमरा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो है इमेज आप उतना एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जितना टेक्स्ट आप चाहते हैं। उतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे एक एरो मिलती है वहाँ पर टच कीजिए, और उस एरो पर टच करने के बाद आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। जो ये एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके इमेज है उसे रीड करेगी, उसमें जितना भी टेक्स्ट होगा उसे रिकॉग्नाइज करेगी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि लोडिंग है वो 100% तक हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 98, 99, और यहाँ पर जो इमेज है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो टेक्स्ट आपको मिलता है उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो है आप इसे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ में एडिट कर सकते हैं आप यहाँ टेक्स्ट को कीबोर्ड से, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, शेयर, कॉपी, ट्रांसलेट या फिर पीडीएफ में भी इसे आप सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ फोर्थ नंबर पे जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। अब आप ES फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ फाइल एक्सप्लोरर ये कोई सिंपल फाइल एक्सप्लोरर नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ अपने SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यहाँ आपको इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जेस्चर्स क्रिएट करने का, नेटवर्किंग का। आप कोई फाइल सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेयर इट या जेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी डायरेक्टरी के लिए शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जेस्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस एनालाइजर मिलता है, और मेरा पर्सनल फेवरेट जो एक ऑप्शन इसमें मिलता है वो है रिसाइकल बिन, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये फीचर होता है। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं शो फोल्ड आइकन्स ऑन फोल्डर। तो इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगे तो यहाँ जो फोल्डर है जिस एक स्पेसिफिक आइकन वहाँ पे दिखाई देगा उस एप्लीकेशन का, और यहाँ पर जो टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, डाउनलोड मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, लॉकर, स्पेस एनालाइजर, म्यूजिक प्लेयर, हाइड लिस्ट, क्लीनर और नोट एडिटर। ये जो टूल्स हैं जो पर्सनली मुझे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और यहाँ पर जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इनमें से वो है स्पेस एनालाइज़र, क्योंकि मैं स्पेस मैनेजमेंट में पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। तो स्पेस एनालाइज़र जो है अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो स्पेस एनालाइज़र को जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो ऐसे में जो स्पेस एनालाइज़र पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस एनालाइज़र आप जो बाकी जो स्पेस एनालाइज़र है उनसे हटके है, क्योंकि आप यहाँ पर स्पेस एनालाइज़र को यूज़ करते हैं तो एनालाइज़ करने के बाद यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो सारी फाइल्स है उसे ये रीड कर रहा है। रीड करने के बाद यहाँ आप जाते हैं ऑल फाइल्स में,
तो यहाँ पर्टिकुलरली देख सकते हैं एक्सटर्नल एसडी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज दोनों कितनी डाटा जो है उनमें स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ इंटरनल अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज में, यहाँ जो स्वैप फाइल है वो सबसे ज़्यादा वो डेटा कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ जाता हूँ इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ वीडियोस और यूसी डाउनलोड्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टोरेज को एक्वायर किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सी डायरेक्टरी में कितना डेटा यहाँ पर आपने प्लेस किया हुआ है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और मिल जाते हैं, शो हिडन फाइल्स, यहाँ आप फाइल्स को हाइड कर सकते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक कर सकते हैं, आप चाहें तो थंबनेल्स शो कर सकते हैं जो आपका डिवाइस स्टोर करके रखता है अपने काम के लिए। और यहाँ पर जो है आपको ई एस स्वाइप मिलता है लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क में। यहाँ अगर आप जाएंगे तो नेटवर्क में आपको मिलेगा सेंडर, जहाँ जिससे कि आप जो है ई एस फाइल एक्सप्लोरर दोनों फ़ोन में अगर इंस्टॉल होगा तो आप फाइल्स को भी सेंड कर पाएंगे। यहाँ रिसाइकल बिन पर चलते हैं, तो रिसाइकल बिन ऑन करने के बाद जो है आप इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको रिसाइकल बिन अच्छी नहीं लगती है, आप नहीं चाहते इस फीचर को, तो आप उस फीचर को यहाँ जाके ऑफ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो है रूट यूज़र्स का भी ध्यान रखा गया है, अगर आप यहाँ रूट यूज़र हैं, अगर आपका डिवाइस रूटेड है, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है रूट एक्सप्लोरर का। अगर आप इस एप्लीकेशन को रूट एक्सेस दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको रूट एक्सेस देने के बाद बहुत सारे कुछ देखने को मिलते हैं फीचर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने रूट एक्सप्लोरर ऑन किया और यहाँ पर मैंने परमिशन दी, इसे ग्रांट कर दिया है मैंने। यहाँ पर ग्रांट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ एक लिस्ट खुल के आई है, इस लिस्ट में है आप वन की इंस्टॉल, यानी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई नए एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप बैकअप ले सकते हैं और अपने एप्लीकेशन और डेटा का इस सिस्टम में आपको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, परमिशंस क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे जो एप्लीकेशन है वो है अलार्मी, और ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन जो थर्ड नंबर पे इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है। आप सुबह सोच के सोते हैं कि हमें सुबह 4 बजे ज़रूर उठूँगा, लेकिन आप नहीं उठ पाते क्योंकि वजह होती है आपकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो ऐसे में ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये अलार्म जो है इतनी आसानी से बंद नहीं होता जैसे आप नींद में उठ के टर्न ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ आपको जो है अलार्म ऑफ करने का एक मेथड देखने को मिलता है, एक ऑप्शन लास्ट में। तो ये इस मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 4 मेथड मिलते हैं। पहला है वो है टेक अ पिक्चर, यानी आप एक स्पेसिफिक जगह की पिक्चर सेव करके सोइए, सुबह उठ के आपको उस पिक्चर को दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा उस जगह को, नहीं तो आपका जो अलार्म है वो बंद नहीं होगा। शेक ऑप्शन मिलता है, एक जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप अपने डिवाइस को शेक करेंगे तभी जो है अलार्म बंद होगा। मैथ प्रॉब्लम्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं और बार कोड या QR कोड भी मिलता है, आप बार कोड QR कोड को स्कैन करके सोइए और सुबह उठकर उसे दोबारा से स्कैन कीजिए तभी आपका जो अलार्म है वो ऑफ होगा। और यहाँ पर जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो है मैथ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैथ प्रॉब्लम्स जो है आपके माइंड को वेकअप कर देती हैं सुबह सुबह, आपको उठने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग होती हैं अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ईजी से लेके हार्ड तक जो है आप इसे सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कितनी आपको सुबह उठकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उन्हें भी आप सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन जो है सुबह उठने में मदद करेगी। तो सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन है उसका नाम है लास्ट पास। ये एप्लीकेशन जो है वो दरअसल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ये आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखेगा। अगर आप पासवर्ड जनरेशन में यानी पासवर्ड जनरेट करने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा नॉट टू इजीली ब्रेकेबल पासवर्ड बनाती है। और ये जो पासवर्ड होते हैं वो होते हैं बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ड, जिन्हें कि हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये हार्ड पासवर्ड बनाए तो आपको रिमेम्बर करने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में ही आप जो है अपने पासवर्ड को यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको जनरेट पासवर्ड नाम से एक मिलेगा ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 डिजिट के नंबर, एक 8 डिजिट के पासवर्ड से लेके आप 128 डिजिट तक के बड़े पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उस पासवर्ड को आप कहीं भी अपने एप्लीकेशन में, अपने फॉर्म में यूज़ कीजिए, आपने नोट्स में यूज़ कीजिए, और जो एप्लीकेशन है वो आप उस फॉर्म को दोबारा खोलेंगे, फॉर एग्जांपल जीमेल में साइन इन करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन उसमें पुट कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ आप जो है अपने साइट वेबसाइट के पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, नोट्स जो हैं उनके पासवर्ड को सेव कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, नंबर वन पे जो एप्लीकेशन है वो है फाइंड माई डिवाइस। ये एप्लीकेशन गूगल की तरफ से आती है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। ये एप्लीकेशन आपकी फ़ोन को, आपकी डिवाइस को, जिसमें आप अपनी गूगल आईडी से साइन इन किए हुए हैं, उन सभी डिवाइसेस को फाइंड कर पाएंगे, बशर्ते आपका जो डिवाइस है उसमें आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये एप्लीकेशन आपके सभी जो डिवाइस जिनमें आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी और आप अपने जीमेल आईडी या गूगल आईडी से इसमें साइन इन होंगे, उन सभी डिवाइसेस को फाइंड कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको खतरा मालूम पड़ता है कुछ इन लोगों से कि किसी ने आपको फ़ोन को यूज़ कर लिया है, तो ऐसे में जो है आप यहाँ पर अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्ले साउंड, यानी अगर आप अपने फ़ोन को रख कर कहीं भूल गए तो आप साउंड प्ले करके पता कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो कहाँ रखा हुआ है। अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपका जो डिवाइस है किसी गलत हाथों में पहुँच गया है, या फिर अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके जो किसी ने फोन चुराया है तो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, तो ऐसे में आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो पांच एप्लीकेशन जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और इसके बराबर में आपको मिलेगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। उससे होगा ये कि अगर मैं कोई नीचे नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसके लिए साथ ही साथ नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपके बिहेवियर के साथ मैच करती है। मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं यूज़ करता हूँ इसमें से अलार्मी और ईएस फाइल एक्सप्लोरर, ये दो एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और बस इस वीडियो में बस इतना ही, पसंद आई होगी ज़रूर आपको वीडियो, आशा करता हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए।